जस्ट बिकॉज अलीजा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, तो इसका क्या मतलब है मैं किसी भी अरे गहरे लड़की से शादी कर लूंगा? नहीं डैड, नहीं। आप सोच भी रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते क्या है उस लड़की के बारे में? कौन है वो, किस खानदान से आई है, वो सच बोल रही है या झूठ, कुछ भी नहीं। और आप अपने इकलौते बेटे को कह रहे हैं कि वो उस लड़की से शादी कर ले? आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं ना डैड, तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए या उसे कोई रहने के लिए मुनासिब जगह दे दीजिए, लेकिन शादी के बारे में भूल जाइए प्लीज। देखो अफनान, तुम ठीक कह रहे हो कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन देखो बेटा, वो इतने दिन भी यहाँ रही है, मैंने उसमें कोई बुराई, कोई ऐब नहीं। अरे आपने अगर उसमें कोई ऐब बुराई नहीं देखी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप बुराई से पाक है। आप जानते नहीं है उसे। तुम क्या उसे पहले से जानते हो? बोलो। नहीं डॉक्टर, मैं उसे नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं, वो मेरे लायक नहीं। मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दें तो बेहतर है। मैं उससे किसी सूरत शादी नहीं करूंगा। मैं अलीजे से बात करता हूं, उसको समझाऊंगा, उसे मनाऊंगा, और अगर वो ना भी मानी तब भी मैं रमशा से शादी नहीं करूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सॉरी डैड, मैं जानता हूं आपको बुरा लग रहा होगा। मैंने हमेशा आपकी बात मानी, इस बार मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अल्लाह हाफिज़।